नहीं ले जाता। तेरे भारत माता होने का क्या फायदा जब तेरे ही देश में लोग तुझसे अधिक मेरी इज्जत करते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कचरा नहीं है। अरे क्या कर रही हो तुम? देखो ना कितनी गंदगी फैली हुई है। लड़की वाले हमारे पप्पू को देखने आते नहीं होंगे। अरे मैं कहता हूँ छोड़ो ये सब, हमारे पप्पू में इतनी खूबियाँ हैं कि उसकी अच्छाइयों के सामने ये सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता। एक काम करो, इसे इस किनारे करो और बाकी के काम देखो। बच गया फोन। अशिक्षा, भूखमरी और अधिक आबादी के कारण हमारे राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी को बचपन से ही सफाई बहुत पसंद थी। उन्होंने साफ सफाई के मामलों में कभी शर्म नहीं की, बल्कि उनका कहना ये था कि देश के तन मन और परिसर में यदि सफाई बढ़ जाए तब ही देश विकास की ओर बढ़ सकता है। अजी सुनते हो, देखो ना, आज खाना खाने के बाद से मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। अरे अरे क्या हो गया ये तुमको? रुको मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर, देखिए क्या हो गया मेरी बीवी को। शायद तुम मुझे भूल चुके हो, तुम भूल गए हो कि स्वर्ग के देवता भी इस देश में जन्म लेने के लिए तरसते थे। मैंने राम को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया, गांधी को जन्म दिया, पर हाय, आज मेरे अपने ने मुझे गंदा कर दिया है। मेरी बेटी गंगा मैली हो चुकी है। ऐ भरतवंशियों, उठो जागो और अपने पुराने अस्तित्व को पहचानो और इस कच्चा रूपी राक्षस को दूर भगाओ। कौन करेगा तुम्हारी मदद? मैं करूंगा। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्यारी थी सफाई, स्वच्छता। क्या हम स्वच्छ नहीं रह सकते? अगर 125 करोड़ देशवासी यह तय कर ले कि हम गंदगी नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें गंदा नहीं कर सकती। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? अगर हम तय कर लें 2019 में जब हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे तो हमारा गांव, हमारा स्कूल, हमारा गली, हमारा मोहल्ला सभी क्षेत्रों में गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़े आप और देखिए हमारा देश दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा होगा। तो इतिहासों में जो हुआ नहीं वो इस वर्ष इस बार हो। शिशुपाल के ग्रीव स्तर पर सुदर्शन का प्रहार हो, मान सिंह सा तना है सीना, प्रताप का भाला पाल हो और अस्वच्छता बनी है रावण, तो राम का अवतार हो, तो राम का अवतार हो। धन्यवाद। हे भारत माता प्रणाम। कौन, कचरा? हाँ मैं ही भारत माता प्रणाम। तुम्हारे देश में अब मुझे कोई नहीं पूछता, चारों तरफ स्वच्छता का ही राज है। अब तुम जो कहो सो करूं। ऐ कचरा, तू मुझे वचन दे, तू मेरे इस देश में अब कभी दिखाई नहीं देगा, मेरा देश स्वर्ग से भी सुंदर बनेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और अब कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। पर याद रहे, अगर इस देश के प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूकता हटी तो मैं फिर आऊंगा, पूरी बीमारियों की सेना के साथ आऊंगा और इस देश पे राज करूंगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और मेरे साथ स्वच्छता का शपथ लीजिए। हम शपथ लेते हैं